नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अयोध्या लोकसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे अवधेश प्रसाद जी का लगातार जो सर्वे चल रहा है हमारे चैनल पर, आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सामने पूर्व विधायक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं अयोध्या लोकसभा सीट। अयोध्या लोकसभा सीट 3 लाख के ज्यादा वोटों से श्री अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, सभी जाति बिरादरी मजहब का आशीर्वाद है, नौजवानों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बड़े भाइयों का, सबका आशीर्वाद है। और समाजवादी इंडिया गठबंधन अयोध्या लोकसभा से भारी बहुमत से श्री अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, कुछ ही मुद्दे पर वो लगातार बात कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ नहीं बोलते, हम भारतीय जनता पार्टी कितना गुमराह नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने कहा था, क्या हुआ? हम झूठ की गारंटी नहीं देते। किसान की खाद की बोरिया 50 किलो से 40 किलो की हो गई, हम लूट की गारंटी नहीं देते। हम ईडी सीबीआई के नाम पर छापा मरवा कर मांस बेचने वालों से चंदा नहीं वसूलते। मंच पर दूसरा भाषण देंगे और दूसरी तरफ चंदा लेंगे, इस तरह का हम दोहरा चरित्र नहीं करते। हम दोहरे चरित्र की काम नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम नौजवानों के हाथ में कटोरा नहीं देते, किसान के हाथ में कटोरा नहीं देते, किसान को भुखमरी की कगार पर नहीं लाते, नौजवान के हाथ में कटोरा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी केवल नौजवान किसानों को ठगने का काम करती है और हम ठगने का काम नहीं करते, हम ठग नहीं है। इसलिए अयोध्या की महान जनता ठगने वालों को इस बार भगाएगी, समाजवादी पार्टी को लाएगी जो किसानों नौजवानों का साथ देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को लूटेंगे नहीं, नौजवानों को रोजगार देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, अयोध्या को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। अयोध्या लोकसभा सीट पे देखा जा रहा है आप लगातार चल रहे हैं, सुबह से आपका काफिला निकल जाता है और रात तक आप लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन जहां भी देखा जा रहा है आपके इसी तरीके से हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है, क्या है इसकी वजह? ये भीड़ नहीं है, ये प्यार है, ये प्यार है समाजवादी पार्टी के लिए, ये प्यार है अवधेश प्रसाद के लिए, ये प्यार है श्री अखिलेश यादव और पवन पांडे के लिए। हम इनके दुख में शामिल होते हैं, इनके यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, गमी में आते हैं। अभी आपने देखा ना, जनता ने बताया सांसद जी को 10 साल से नहीं देखा, जब देखा नहीं तो और किस बात का। जो जनता के दरवाजे जाएगा, जनता के दुख सुख में शामिल होगा, जनता की बात को सुनेगा, जनता की तकलीफ को कम करेगा, जनता उसके साथ रहेगी, इसलिए सारे गांव के लोग समाजवादी पार्टी और साइकिल के साथ हैं। आप युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और बीजेपी में रोजगार की वजह से बहुत सारे युवा परेशान है, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्या आप रोजगार देंगे? जितने नौजवान हैं, 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने कहा था हम संविदा खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे, आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, परमानेंट नौजवानों को रोजगार देंगे। आप बताइए इस 1-2 साल के अंदर कितने पर्चे आउट हुए? जो नौजवान फार्म भरता है 1,000-1,500 रुपया लगा करके, उसके बाद पर्चा आउट, नौजवान की जिंदगी पर्चा आउट। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं पर्चा आउट करने वाली सरकार को हटाओ, परमानेंट सरकार लाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार लाइए, परमानेंट नौकरी देंगे, हर महीना आप 50,000-1,00,000 रुपया तनख्वाह पाएंगे, आपका घर परिवार तरक्की के रास्ते पर जाएगा। और ये जो नौजवानों को ठगने वाले लोग हैं, नौजवानों से झूठ बोलने वाले लोग हैं, 2 करोड़ रोजगार देकर नौजवानों के हाथ में कटोरा थमाने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं ऐसी सरकार को भी कटोरा थमाइए और इंडिया गठबंधन की सरकार लाइए। बीजेपी कह रही है हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और लगातार राशन हम दे रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कौन सा राशन? गाँव में हम लोग राशन दे रहे हैं, ये 20 गुरु जो है 200 का 250 का राशन दे रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं देश को। हम जो है परमानेंट नौकरी देना चाहते हैं, जब परमानेंट नौकरी रहेगी परिवार में तो सड़ा गला राशन नहीं खाना पड़ेगा, अच्छा राशन रहेगा। हम तरक्की देना चाहते हैं, विकास देना चाहते हैं, हम उनको विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हमें टेम्परेरी राशन नहीं चाहते, परमानेंट राशन चाहते हैं, और परमानेंट राशन तब आएगा घर में जब परमानेंट नौकरी रहेगी। हम नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे जिससे अच्छा राशन खाएं, अच्छा घर रहे, बढ़िया एसी टीवी खुद फ्रिज रहे, कूलर रहे और बढ़िया मकान रहे। और ये तभी आएगा जब नौजवान परमानेंट नौकरी पाएगा, और परमानेंट नौकरी इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव देंगे, ये भाजपा के लोग जो 10 साल ठग चुके हैं ये नहीं देंगे। तो आप लोग देख रहे थे हमारे साथ तेजतर्रार नेता पवन पांडे थे, और आप देख सकते हैं किस तरह की गूंज यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफी तेजतर्रार नेता है और पूर्व विधायक भी रहे हैं अयोध्या से। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पवन पांडे जहाँ भी पहुंच रहे हैं, पवन पांडे के पीछे इसी तरीके से जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा।
आप देख रहे हैं सुबह से ये लगातार इनका जनसैलाब चालू हो जाता है, हर गांव में पहुंचना शुरू हो जाता है और लगातार सुबह 6 बजे से आप भी निकलते हैं साथ में। अच्छा, ये पर डे का प्लानिंग है, कैसे करें? पर डे रात में कितना टाइम हो जाता है? 2 बजे तक। और जनसैलाब जो है लगातार इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, ज्यादा बचता है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत चाह रही है। अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? जी अवधेश प्रसाद 3 लाख। तो आप लोग देख रहे हैं, तो मैं दिग्विजय रघुवंशी अयोध्या न्यूज स्टोरी से आपको मैं लगातार अयोध्या का सर्वे दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी, और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करते रहे।